हेलो बच्चा, आज हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी काम जो होता है वर्तमान समय में जब पूर्ण रूप से कंप्लीट समाप्त हो जाता है उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। तो वेन द वर्क इज फिनिश्ड इन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका जो पहचान होता है इंग्लिश में जो पहचानेंगे हैज हैव रहेगा और भी थ्री से पहचानेंगे। हिंदी में जो इसका पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हो या ही रहेगा, तो समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तब हम जानते हैं किसके साथ है, किसके साथ हैज लगेगा। जैसे लिखता आई लिख सकते हैं वी, यू, दे और डबल नेम, इस सब के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा और वन नेम यानी एक नेम के साथ जो हो जाएगा वो हैज हो जाएगा। स्ट्रक्चर हम इसको लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी सिंपल, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस, यानी इसको एसरेटिव के नाम से जानते हैं, एसरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे वह खेल चुका है, वह खेल चुका है, खेल चुका है, इसको हम लिख सकते हैं। वह का स्पेलिंग हो जाएगा ही, ही के साथ क्या लगेगा, देखिए ही सी इट सब के साथ हैज लगेगा, हैज लिखेंगे। इसका वर्ब जो हो जाएगा वो प्ले है, फिर प्ले में क्या कर देंगे, ई लगा देना है, हो गया वह खेल चुका है। जैसे कहेंगे तुम पहुंच चुके हो, तुम पहुंच चुके हो, तुम पहुंच चुके हो, चुके हो, तो इसको हम लिख सकते हैं यू, यू के साथ देखिए क्या लगेगा, हैव लगेगा। तो आई वी यू सब के साथ हैव लगता है, क्या लिख सकते हैं, यू हैव पहुंचना का हो जाएगा रीच। ठीक है, जैसे मैंने तुमसे प्रश्न पूछा है, लिख सकते हैं मैंने तुमसे प्रश्न पूछा है, प्रश्न पूछा है, इसको हम लिख सकते हैं मैंने कहा होगा आई, आई के साथ हैव लगेगा। अब पूछना का स्पेलिंग जो होता है वो आस्क होता है, इसमें ईडी लग जाएगा। अब तुमसे का जो स्पेलिंग होगा वो लिखेंगे यू, इसमें फुल स्टॉप डाल देंगे। जैसे मैंने तुमसे प्रश्न पूछा है तो आई हैव आस्क्ड यू, यानी तुमने मुझे बताया, यू हैव टोल्ड मी, मैंने तुम्हें कहा है, मैंने तुमसे कहा आई हैव सेड। हाँ, अब जो है हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंस वो बताने जा रहे हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जिसमें नॉट से स्टार्ट होता है, तो लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस सब्जेक्ट। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस यानी सिंपल नेगेटिव के नाम से, जैसे कहा मैंने मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है, इसको लिख सकते हैं मैंने का हो जाएगा आई हैव नॉट, देखना का क्या होगा भीतरी सीन हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि आगे लिख सकते हैं वह नहीं सोचा है, वह नहीं सोचा है, तो इसको हम लिख सकते हैं वह का ही के साथ है नॉट लगा देना है, सोचना का हो जाएगा थॉट हो जाएगा। ठीक है, थॉट हो जाएगा। ऐसे कहेंगे तुमने नहीं बताया है, तुमने नहीं बताया है, तुमने नहीं बताया है, नहीं बताया है, तो इसको लिख सकते हैं तुमने का लिखाएगा यू, यू हैव नॉट, बताना का भीतरी हो जाएगा टोल्ड। यानी इस प्रकार हम सेंटेंस जो है कोई भी बना सकते हैं नॉट लगा के, जैसे लिखेंगे वह नहीं आया, ही हैज नॉट कम। अब हम जो है इसके बाद जो होगा थर्ड स्ट्रक्चर, इसमें हम यश्नो का यश्नो क्वेश्चन बताओ, जिससे आप किसी भी प्रश्न पूछ सकते हैं या आपसे कोई प्रश्न पूछेगा, इसमें प्रश्न पूछने वाला जो सेंटेंस है इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। जैसे लिखेंगे क्या आपने उसे देखा है, उसे देखा है, तो इसको लिख सकते हैं यू के साथ हैव, तो हैव यू सीन हिम, इसमें क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। क्या वह पहुंच चुका है, पहुंच चुका है, इसको लिख सकते हैं हैज, ही के साथ हैज लगेगा, ही पहुंचना का हो जाएगा रीच्ड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यानी इस प्रकार जो हम कोई भी सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे लिखेंगे क्या वह बोला है, हैज ही स्पोकन बोल सकते हैं, क्या वह दिल्ली गया है, हैज ही गॉन टू दिल्ली, क्या
क्या तुम पटना से हो? हैव यू कम फ्रॉम पटना? क्या तुम मुंबई से आए हो? हैव यू कम फ्रॉम मुंबई? यानी अब हम जो है यस नो का नेगेटिव बना रहे हैं, जैसे लिख सकते हैं क्या वह नहीं लिखा है, लिखा है क्वेश्चन मार्क, लिख सकते हैं हैज ही नॉट, लिखना क्या हो जाएगा रिटेन, ठीक है, लिखेंगे क्या तुम नहीं बोले हो, क्या तुम नहीं बोले हो, नहीं बोले हो, इसको लिख सकते हैं तुम के साथ क्या लगेगा हैव, लिख सकते हैं जैसे लिखा है हैव सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये जो होगा यस नो का नेगेटिव है, क्या वो नहीं लिखा है तो लिख सकते हैं हैज ही नॉट रिटन, क्या तुमने नहीं बोला है तो लिख सकते हैं हैव यू नॉट बोला का, लिख सकते हैं स्पोकन, ठीक है, यानी इसका जो है अब डब्ल्यू एच वर्ड हो, डब्ल्यू एच का वर्ड का डब्ल्यू एच वर्ड कुछ भी कोई सेंटेंस लिख सकते, जैसे तुमने क्या लिखा है, तुमने तुमने क्या कहा है, कहा है, इसको लिख सकते हैं पहले क्या का स्पेलिंग लिखेंगे, क्या का स्पेलिंग व्हाट होता है, आई यू के साथ क्या लगता है हैव होगा, जैसे लिखे व्हाट हैव सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और कहा का स्पेलिंग हो जाएगा शेड हो जाएगा, जैसे तुमने क्या कहा, मैंने क्या पूछा है, मैंने क्या पूछा है, इसको बतला सकते हैं मैं क्या का स्पेलिंग पहले लिखेंगे व्हाट होगा, उसके बाद आई के साथ हैव लगता है तो लिख सकते हैं हैव और सब्जेक्ट हो जाएगा आई, पूछने का क्या होगा वी थ्री, ये हो जाएगा आस्केड क्वेश्चन में, यानी ये हो गया डब्ल्यू एच वर्ड क्वेश्चन, इस तरह किसी भी प्रश्न कर सकते हैं। अब देखते हैं डब्ल्यू एच का नेगेटिव, जैसे तुम क्यों नहीं गए हो, लिख सकते हैं तुम क्यों नहीं गए हो, तो इसको लिख सकते हैं पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे तो क्यों का स्पेलिंग होता है वाई, यू के साथ लिखाएगा हैव यू नॉट, गया का भी थ्री हो जाएगा गॉन, वाई हैव यू नॉट गॉन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कहेंगे तुमने क्यों नहीं पूछा है वाई हैव यू नॉट आस्क, तुम क्यों नहीं बताया वाई हैव यू नॉट टोल्ड, तुम कंप्यूटर क्यों नहीं चलाया हो वाई हैव यू नॉट ऑपरेटेड कंप्यूटर।